नमस्कार, स्वागत है आप सबका हमारे न्यूज चैनल वॉइस ऑफ इंडिया में। मैं अमरजीत कौर, खबर दिल्ली से। गुरबाणी विरसा संभाल स्त्री सत्संग सभा और दिल्ली सिख गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी की ओर से माता गुजरी को समर्पित समागम करवाया गया। आईटीओ स्थित गुरुद्वारा माता सुंदरी में आयोजित इस प्रोग्राम में अलग अलग विद्वानों ने सिख इतिहास में स्त्रियों का योगदान और माता गुजरी जी के जीवन से संबंधित लेक्चर दिया। इस समागम में दिल्ली सिख गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी के जनरल सेक्रेटरी मनजिंदर सिंह सिरसा, धर्म प्रचारक कमेटी के चेयरमैन कुलमोहन सिंह, निगम पार्षद परमजीत सिंह राणा विशेष तौर पर पहुंचे, जिन्होंने संगत को संबोधित किया। इस मौके पर समागम के प्रबंधकों द्वारा मनजिंदर सिंह सिरसा, कुलमोहन सिंह, परमजीत सिंह राणा को सिरोपा देकर सम्मानित किया। आइए सुनते हैं मनजिंदर सिंह सिरसा। स्त्री सत्संग सभा वालों साढ़े बीबी जी बीबी नरेंद्र कौर जी वालों विशेष तौर पर अज का यह समागम कराया गया। समाज के अंदर स्त्री का की स्थान आ, इस दी एक बहुत वड्डी मिसाल जिहड़ी आ उह सिख धर्म चों मिलदी आ। बहुत सारे धर्मां दे अंदर अज भी इस्त्री दा दर्जा बहुत छोटा दस्या जांदा है। वो अल्फाज मैं शायद कह नहीं सकदा जो अल्फाज इस्त्री वास्ते कहे जांदे आ, पर ये सिख धर्म दी विलखता है, ये विलखण आ कि जिहड़ा इस्त्री दा दर्जा है वह मर्द तो भी आदमी तो भी कई गुणा वड्डा किया गया। माता गुजर कौर जी की अज उन्हां दी याद अज एक विशेष समागम से। मैं समझदा कि देश और दुनिया के अंदर जो अज ये नक्शा इस देश का, देश के लोगों का, दबी कुचले लोग सीगे उन्होंने ये राजपाट बख्शे ने। अज समाज दियां वड्डियां वड्डियां अहुदियां ते, वड्डे वड्डे धार्मिक अहुदियां ते, वड्डे वड्डे सियासी अहुदियां ते बैठे लोगों नूं इस गल नूं महसूस होना चाहिए, इस गल नूं याद करना चाहिए है जी। अज इन स्थावां ते बैठे ने ते माता गुजर कौर जी का बहुत वड्डा नहीं बल्कि सारा ही योगदान। गुरु तेग बहादुर साहब की शहादत तो लैके साहिब कमाल सरबंसदानी धन धन साहिब श्री गुरु गोबिंद सिंह साहिब महाराज जी का ਉਹ ਜ਼ੁਲਮ ਦਾ ਟਾਕਰਾ ਔਰ ਸਾਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਰੂਹ ਫੂਕਣਾ, ਇਹ ਸਾਰਾ ਰੋਮ ਰੋਮ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਮਾਤਾ ਜੀ ਦਾ ਜਿੰਨਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਕਰੀਏ ਉਨਾ ਹੀ ਥੋੜ੍ਹਾ ਹੈ। ਪਰ ਅੱਜ ਵੀ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਕਮੀ ਆ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਔਰ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਇਦ ਮਾਤਾ ਗੁਜਰ ਕੌਰ ਜੀ ਦੀ ਇਸ ਕੁਰਬਾਨੀ ਦੇ ਬਾਰੇ 'ਚ, ਸ਼ਾਇਦ ਮਾਤਾ ਗੁਜਰ ਕੌਰ ਜੀ ਦੇ ਇਸ ਯੋਗਦਾਨ ਦੇ ਬਾਰੇ 'ਚ ਨਾ ਮਾਤਰ ਜੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਆ। ਸੋ ਸਾਡਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਫਰਜ਼ ਬਣਦਾ ਹੈ ऐसे समागम करा के कर कर तक इस गल नूं पहुंचाया जावे। दिल्ली सिख गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी ऐसे समागमों में हमेशा सहयोग करती आई है और आगे चल के भी ऐसे समागम करवाए जाने का वादा करती है। दिल्ली से कैमरामैन निहाल सिंह के साथ अमित महाजन की रिपोर्ट, आप देखते रहिए वॉइस ऑफ इंडिया।